सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसे ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। पहले दिन जब सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, ये ट्वीट उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। इस ट्वीट में लोग ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती पेश हुई थी तो वो सही सही सवालों का जवाब नहीं दे रही थी और इसी वजह से सीबीआई की जो दबंग ऑफिसर हैं नुपुर प्रसाद, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा काफी चर्चा में है। लोग इस पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। 11:11 ने रिया चक्रवर्ती के बारे में लिखा है, सीबीआई ऑफिसर को बधाई देते हुए, वेल डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव डन विद एसएसआर, मेनी मोर गुड न्यूज टू कम। लोग इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और कई ऐसे भी यूजर हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक क्यों, और भी थप्पड़ लगने चाहिए थे, 3-4 क्या 10-12 मारने चाहिए तभी शर्म आएगी, शशांक नाम के एक यूजर ने लिखा है। एलिजाबेथ लिखते हैं थप्पड़ सिक्वल। और इसके अलावा आप देखिए दीप्ति भार्गव लिखते हैं कि एटलीस्ट 10 और लगना चाहिए अगले दिन, यानी जब भी रिया चक्रवर्ती अगली बार सीबीआई के सामने आए तो 10 थप्पड़ और लगना चाहिए। लोग इस तरह से रिया चक्रवर्ती को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या नुपुर प्रसाद ने रिया चक्रवर्ती को थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ अगर मारा तो किस बात पर मारा? हमने इसकी बहुत गहन पड़ताल की, हमने तमाम सोशल मीडिया और साइट्स खंगाले हैं और हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये पूरी खबर ट्विस्ट की गई थी। आपको ये भी बता दें कि पहले दिन रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की पूछताछ हुई। सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद सीबीआई की ऑफिसर ने रिया को बार बार आगाह किया, लेकिन रिया जो सवालों का जवाब दे रही थी ऑफिसर उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला किया है। ज़रूरत पड़ी तो पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है कि एक तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि सामने वाला शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वैसे जिस ऑफिसर नुपुर प्रसाद के बारे में ये चर्चा हो रही कि नुपुर प्रसाद ने रिया चक्रवर्ती को थप्पड़ मारा, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। नुपुर प्रसाद जिस डिपार्टमेंट में रही, इससे पहले वो दिल्ली की डीसीपी रह चुकी हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी रही वहाँ ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया। एक कड़क और ईमानदार ऑफिसर की उनकी छवि है। वो बिहार की महिला आईपीएस हैं, लेकिन उनका कैडर जो है वो कि वो यूनियन टेरिटोरी है, वो बिहार की गया की टिकारी की रहने वाली हैं, और उनका जो कड़क मिजाज है इसी वजह से उन्होंने कई बेहतरीन केस सॉल्व किए हैं। लेकिन नुपुर प्रसाद के बारे में जो खबर वायरल की जा रही है वो खबर सरासर गलत है। ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी, लेकिन मारने पीटने या थप्पड़ जैसी बात जो भी कही जा रही है या जो यूजर्स रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं उनका दावा गलत है।